छिंदवाड़ा में बीजेपी की सेंधमारी जारी। कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे ने ज्वाइन की भाजपा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कांग्रेस के मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ को कमजोर करने के लिए बीजेपी की सेंधमारी लगातार जारी है। छिंदवाड़ा के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ सक्सेना के बेटे अमित सक्सेना ने आज भोपाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली। सुर्खी सीट से विधायक रही पारुल साहू, प्रतिभा राजपूत, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शेर सिंह यादव ने भी भाजपा की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने सभी को भगवा पटका पहना कर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गोविंद सिंह, भाजपा के प्रमुख नेता उपस्थित थे। दिग्विजय सिंह तो रन छोड़कर ही भागे सीएम मोहन यादव। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग टीम के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह तो रण छोड़कर ही भाग गए, अब राजगढ़ पहुंचे हैं जहां अकेले चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। खुद के अलावा चार दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाने के कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाधार किया है, भगवान राम का उपहास करने पर कांग्रेस की ये हालत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़ आज भाजपा की सदस्यता लेने वाले कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा में बुद्धिजीवी आते हैं, नवरात्रि चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शक्ति की कृपा से लगातार भाजपा की शक्ति बढ़ रही है। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा, यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा जी चुनाव लड़ी, वहां से आज कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे, वहां भी कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। राहुल गांधी छोड़कर चले गए, अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी। उसने इस माटी, इस संस्कृति, दर्शन, जीवन मूल्य और परंपराओं का भी अपमान किया है। इसलिए सभी विचारवान मित्र आज कांग्रेस छोड़कर अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।